वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आज के मेरे इस मोटो व्लॉग में स्वागत है। वैसे आज के इस मोटो व्लॉग में मेरे साथ है देवेन, जो कि मुंबई से ही है। हम लोग पहले इंडियन बाइक वीक में एक बार मिल चुके हैं और उसके बाद ही आज हमारी पहली बाइक राइड होगी। उम्मीद करता हूँ कि देवेन के साथ ये बाइक राइड बहुत ही खूबसूरत होगी। दोस्तों आज की जो बाइक राइड है वो मुंबई से जो है मालडोली के लिए, जो करीब 235 किलोमीटर का रास्ता है और करीब करीब 6 घंटे और 25 मिनट का है मुंबई से वहाँ के लिए जाने का जो है दूरी है, तो बहुत ही लंबी राइड है ये। और मालडोली के बारे में बता दो दोस्तों, वहाँ पे क्रोकोडाइल सफारी है, वहाँ पे मैंगोज के बड़े बड़े ट्रीज है, वाड़ी जिसे कहते हैं वो भी है वहाँ पे। तो कुल मिला के बहुत मज़ा आने वाली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी में बाइक चला के वहाँ पहुँचना ये एक बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है। तो इस वक्त देवेन ठीक मेरे आ गई है, तो यहाँ से हम जो है यहाँ से हम सीधे चलेंगे। हमें मिलना था वाशी शोरूम पे, लेकिन हम लोग समय से बहुत ही लेट हो चुके हैं, तो अब वाशी जाने के बजाय सीधे मैं और देवेन जा रहे हैं वड़कल पे, जहाँ पे आज का हमारा पहला ब्रेकफास्ट के लिए हमारा पहला होल्ड है। तो सीधे अभी वहीं पे जाके वहीं से पूरे ग्रुप को हम ज्वाइन करेंगे और वहाँ जाके फिर मैं आपको आगे का पूरा प्रोग्राम अपडेट देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे वड़कल पे ब्रेकफास्ट के लिए और वहाँ से KTM के तमाम 15 से 20 जो राइडर्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे और आगे की जर्नी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है इस बार जो है लास्ट टोकन राइड पे मेरे साथ में था पुणे से तेजस, जो फिर एक बार एक साल बाद में मेरे साथ फिर से एक बार इसी कोंकणी हुआ ही अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑबली, तो इसी राइड में वो फिर से एक बार मेरे साथ में एक साल के बाद है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ पुराने लोग हैं, तेजस है, राजीव है ग्रुप लीडर, और टोंग जो इवेंट वाला है वही है जो पिछली बार था, उसमें भी आमिर करके लड़का था। तो काफ़ी सारे लोग मेरे जान पहचान वाले ही है। इस बात का मुझे अफसोस है कि इस बार इस ट्रिप में आशीष नहीं है, किरण नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि उन दोनों को भी अपने साथ ले आऊं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो दोनों नहीं आ पाए। तो गाइस आई गोना मिस यू, तुम दोनों को बहुत मिस करने वाला हूँ मैं यार। ओके सो दिस इज़ द स्टॉप। पिछली बार भी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहीं पे आए थे और आज भी फिर से एक बार पुणे के राइडर्स सारे रेडी है, बाइक्स इन्होंने पार्क कर ली और आज का जो ब्रेकफास्ट है यहीं पे करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सामने लड़का देख रहे हो, इसे अभी वॉमिट हुई है। दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हालत क्या है यहाँ की। हम जो 21 राइडर इस वक्त एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस वक्त बाइक राइड कर रहे हैं। गर्मी कितनी टेम्परेचर है इस वक्त मैं आपको देख के कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। उसमें जैकेट, ग्लव्स, नी गार्ड, हेलमेट और ये सब कुछ पहन के हम लोग जो राइड कर रहे हैं, इसमें आप सोच नहीं सकते कि अंदर जो कपड़ों के अंदर जो हमारी हालत है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसे क्लाइमेट में बाइक राइड करना, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कभी आप इस तरह के क्लाइमेट में बाइक राइड के लिए जाओ तो हाइड्रेशन बैग को ज़रूर अपने साथ कैरी करो। मैंने भी कैरी किया है और मैं हर 15 से 20 मिनट में 2-2, 3-3 से पानी के मैं ले रहा हूँ, ताकि पूरे राइड के दरमियान जो है मैं पूरा हाइड्रेट रहूँ और बीमार ना गिरूँ। एक इंसान भी अगर राइड के अंदर बीमार गिर जाता है तो पूरी राइड जो होती है बिगड़ जाती है, सभी का मूड ख़राब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का मूड या और किसी के राइड ख़राब हो, तो आप भी जब राइड पे जाए तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वंडरफुल राइड विद माय ग्रेट फ्रेंड परेश। भाई बैंड बज गई, इतनी गर्मी और बहुत गलत जगह बाइक रखा यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक पानी पीने का ब्रेक लिया यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे, और बहुत ही डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं और बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस वक्त चला रहे हैं। तो बस अब यहाँ से पानी वानी पी के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में एक बार पेट्रोल रिफिल करने के लिए हम रुकेंगे पेट्रोल पम्प पे, और उसके बाद लंच, और लंच के बाद सीधे चिपलून होते हुए मालडोली। तो चलते हैं दोस्तों।
गाइस इस वक्त जो हम खेड़ पहुंच चुके हैं, खेड़ में होटल साई रिसोर्ट करके एक जगह है जहां पे आज के सुबह का लंच है। आज के दिन का हमारा दूसरा ब्रेक है। पहला जो ब्रेक था ब्रेकफास्ट का वो वड़कल में था और दूसरा ब्रेक साई रिसोर्ट में है। और यहां पे लंच करने के बाद में हम सीधे जाएंगे क्रोकोडाइल सफारी के लिए। तो अब चलते हैं अंदर, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और बाइकिंग के बारे में बता दोस्तों कि जो राइडर्स हैं उन्हें ये बात पता है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि राइडिंग में कहाँ कोई थकान होती है, लेकिन मैं बताऊं कि राइडिंग में सबसे ज़्यादा थकान होती है और सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि राइडिंग करते वक्त आपके जो है पांचों इंद्रियां जो है एक साथ काम करती है, सारे सेंसेस आपके एक साथ काम करते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो मेंटली भी फिजिकली भी, और इसलिए भी आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे बहुत ज़रूरी भूख लगी, मैं चलता हूँ और आज का लंच करके फिर आगे का प्लान करता हूँ। चलिए सो गाइस लास्टली वी हैव रीच्ड द क्रोकोडाइल सफारी। जब साई रिसोर्ट से हम निकले थे वहाँ पे जो है मेरे कैमरे की बैटरी जो है पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी, तो रास्ते के खूबसूरत दृश्यों को मैं शूट नहीं कर पाया, पर जाते हुए रास्ता इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं वो सब कुछ शूट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वक्त नज़ारा कुछ ऐसा है, आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता यहाँ से हम चलते हुए यहाँ पर आए हुए, बाइक से यहाँ पर आए हुए, और ये जो है यहाँ पर सारी बाइकें जो है हमने पार्क की है, और ठीक सामने जो है हमारे लिए कुछ दो बोटों का इंतज़ाम किया है जिसमें बैठ के हम यहाँ से क्रोकोडाइल सफारी के लिए आगे जाएंगे। तो चलिए, सारे लगेज जो है हमने यहीं पे एक रूम दिया जिसमें हमने सारे लगेज रख दिए, सारे गियर्स निकाल के रख दिए, और सच में को दोस्तों बहुत थक गए। ऐसी हालत ख़राब पिछली बार भी कोंकण राइड में नहीं हुई जितनी कि इस बार हुई है। एकदम डिहाइड्रेट थक चुके हैं, पसीने से लथपथ है, सिर दुख रहा है, ताकत जरा भी नहीं बची है, लेकिन क्रोकोडाइल सफारी भी देखनी है किसी भी कंडीशन में। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे दृश्य मुझे कैप्चर करने मिलेंगे और कैप्चर करके आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। फाइनली वी आर हियर एट क्रोकोडाइल, टू सी क्रोकोडाइल सफारी। ये बोट इतना नीचे उतनी इतनी फट रही है, ऊपर से लाइफ जैकेट भी नहीं पहना है हम लोग ने। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, एनी कमेंट्स? ये तो आगे पहले ही आगे होके बैठ गए बोले डर। चलो लेट्स सी इफ वी कैन सी एनी क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल सफारी से चलने का समय हो चुका है, सारे लोग बहुत थक चुके हैं और इस वक्त शाम के बजे 6:24, और अभी भी यहाँ से चिपलून जाने के लिए करीब करीब 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर जो है वो कहने को 20 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही घुमावदार रास्ता है वो। तो 45 मिनट से एक घंटा अभी भी हमको बाइक राइड करनी है। तो होटल तक पहुँचते पहुँचते 7:30-8 बज सकते हैं। देखिए लोग किस तरीके से हमारे फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, लोग कितने एक्साइटेड है बाइक राइडर्स को लेके। बस यही एक बात है जो हमेशा आपको बाइक राइडिंग के लिए एक्साइट करती रहती है। ये रास्ता देखिए, जब हम आए थे तो इस रास्ते से नीचे उतरे थे, ये भी थोड़ा सा एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता है,
और बीच में भी बहुत जो रास्ता ऐसा आया था जो कि कच्ची सड़क थी, जहाँ पे मुझे सेडलिंग करते हुए बाइक चलानी पड़ी थी, तो वो रास्ता भी फिर से आने वाला है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ राइडिंग को एंजॉय कीजिए। होटल रिम्स। वैसे बता दूँ KTM की जितनी भी राइड होती है उसमें हमेशा स्टे जो होता है बहुत अच्छा ही होता है, तो ये होटल भी देख के तो बहुत ही खूबसूरत से लग रही है। हालांकि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे फूड बहुत अच्छा होता है, अकोमोडेशन बहुत अच्छा है और स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब वगैरह सब कुछ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्या क्या है क्या क्या नहीं, बट ओवरऑल होटल बहुत अच्छी है। मुझे तो खाली सोने के लिए जगह चाहिए, जगह कैसी भी हो चलता है मुझे। तो बस अब जाते हैं अंदर जाके, सबसे पहले बाइक पार्क करके नहाना है, फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करना है, और फिर बाद का प्लान जो है हम करेंगे, धमाल प्लानिंग करेंगे आज। तो गाइस चलिए आपको मैं अपने रूम में ले चलता हूँ, रूम बहुत ही खूबसूरत है मुझे पता चला, तो आपको भी इस रूम से रूबरू कराता हूँ, चलिए। So guys, good evening. Hi, thanks. My name is Faisal. I live in Powai in Mumbai. I ride the KTM 390 Adventure. Why KTM? I think it's a great package that the bike gives us for the price point that we have. I'm referring to the 390 Adventure. I'm sure all the other riders agree with me. So that's the strong reason. Of course, the community that KTM has, I doubt any other bike has that. So I think that's a great step in the right direction. Why KTM is the next question. So KTM again, a great package, and I think I did a right decision of choosing KTM because it was at the right price point. The entire package was very lucrative for me, and I don't think that once you get into tasting orange you'll again go for red or blues. My name is Suraj Mankikar. I stay in Thane. And KTM, I always wanted to have a KTM even when it was introduced earlier, I think in 2012, right? So the 200 was introduced first, but then that was not that attractive, but then the 390 was launched. So from that time onwards, I always wanted to have a 390, but somehow I couldn't, for some reason I couldn't get my own 390. It was just a fluke that I tried a test ride of Duke 250 and I really loved the experience. I mean, you guys were so technical about the price point. I have no idea about the price, anything of that sort. The only thing I loved about the Duke was I love to ride it on an open road. It's really fun. बाइक का जो क्रेज था बचपन से था, गाड़ियों से मुझे, कार से मुझे कोई प्रेम नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कहता है मेरे पास मर्सिडीज है, कोई कहता है मेरे पास BMW है, तो मैं कहता हूँ तेरे पास बाइक कितने का है। स्ट्रेट एटीट्यूड है मेरा, बाइक कितने का है। तो बाइक से मुझे इतना प्यार है, इसके लिए बाइक के बारे में ऐसे ही बात करता हूँ मैं। ये नॉट अबाउट द मनी मैटर नहीं, मुझे बाइक से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना अफेक्शन बचपन से रहा है। मैंने कभी बचपन में ये सोचा नहीं कि मुझे ये कार चाहिए, लेकिन हाँ बाइक मैं हमेशा सोचता था। जब कॉलेज में गया तो मेरे पास RX 135 cc 100 cc बंद हो गई थी, 135 लिया मैंने, बट शौक पूरा नहीं हुआ मैंने। फिर हीरो की मैंने CB-Z ली, फिर भी जो मेरी पसंदीदा बाइक थी मैंने वो नहीं खरीदी, उसको भी बजट इशूज। और उसके बाद जो मैंने लिया तो एक्टिवा भी लिया मैंने, कैनेडी होंडा भी लिया मैंने, लेकिन लास्टली इस एज पे मैंने सोचा नहीं कि अब मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ट्रैवल कर सकूँ ऑल ओवर द इंडिया। तो आई विजिटेड टू फिनिक्स KTM शोरूम
मैंने यहाँ पे RC 220cc मेरे लेने का मूड था, स्पोर्ट्स बाइक से मुझे बहुत ज़्यादा लगा है, मुझे देखी मैंने, अच्छी लगी, लुक पसंद आया, मैं टेक्निकल ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मैं टेक्निकल समझने भी नहीं आता, लुक अच्छा लगा मुझे, मेरा ये प्लान था कि मैं ले भी लूँगा ये। और उसके बाद मैं टाइगर ट्रम में भी गया, जावा में भी गया, रॉयल इनफील्ड में भी गया, लेकिन लास्टली सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फिनिक्स में गया और वहाँ पे मैंने KTM 390 एडवेंचर देखी, जो पहले मैंने देखी नहीं थी वहाँ पे। और वो KTM 390 जब मैंने देखी, उसकी हाइट, उसका जो आगे का फ्रंट टायर, फ्रंट व्यू, आई वाज फॉलिंग इन लव विद दैट बाइक। तो आई आस्क माई सेल्फ कि यार तुझे स्पोर्ट्स बाइक क्यों चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक तो कितना चलाएगा, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तेरा ड्रीम 50-100 किलोमीटर का नहीं है, तेरा ड्रीम है इंडिया का। तो इंडिया लेवल पे अगर तुझे कोई बाइक चलानी है तो उसके लिए तुझे एडवेंचर बाइक पे जाना पड़ेगा, जिसमें कम्फर्ट हो, सिटिंग पोस्चर तेरा परफेक्ट हो। तो आई चूज KTM 390 एडवेंचर। इस बार जब मैंने ये 3.5-4 लाख की बाइक ली, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं मेरे डैड से क्या बोलूँ, कैसे कन्विंस करूँ कि 4 लाख की बाइक क्यों ले रहा है। तो आई सेड कि जो मेरी जूनी बाइक है यामा फेजर, उसका यार चेसिस पूरी टूट गई थी, ऑनेस्टली टूट गई थी, तो मैंने कहा यार इसको बेचूंगा तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा यार। तो मैंने पापा से कहा पापा मुझे अच्छी बाइक लेनी थी, पापा ने कहा कितने की बाइक लेनी तुझे, ऐसे 1.5-2 लाख की बाइक ले रहा हूँ मैंने, और अभी तक उनको यही पता कि मैंने 1.5-2 लाख की बाइक ली है, मैंने कोई 4 लाख की 365 की बाइक है, उसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपये दूसरा खर्चा कर दिया, एक्सेसरीज, कैमरा, ये टॉप बॉक्स और ये सब कुछ मैंने 1.25 लाख दूसरा खर्चा कर दिया। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं जो अब मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, लास्ट 1.5 साल से मैंने बहुत इन्जॉय किया है, सोलो ट्रिप मैंने बहुत इन्जॉय की है, सोलो ट्रिप इतनी इन्जॉय की कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि मैं क्या उस वक्त फील करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक्त जब मैं सोलो ट्रिप पे होता हूँ, मैं मतलब दिल से उस ट्रिप को मैं जीता हूँ, मैं उसको कैप्चर करता हूँ। मैं बेस्ट पार्ट अबाउट KTM दैट वो आपको माल बेच के आपको भूल नहीं जाते। ओके, कोइंसिडेंटली मैंने KTM सिलेक्ट कर दी बिकॉज आई जस्ट लाइक द मॉडल। ओके, टेक्निकल मुझे नहीं पता था मुझे, बट आई एम फीलिंग प्राउड फॉर इट दैट आई बॉट KTM बिकॉज उसने अपना बाइक बेचने के बाद में मुझे हर एक महीने बाद याद किया, हर एक महीने बाद मुझे कॉल किया, हर एक महीने बाद मुझे व्हाट्सएप किया है कि सर आर यू कमिंग फॉर दिस राइड, आर यू ज्वाइनिंग फॉर दिस राइड, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप बाइक खरीद लो 5 लाख की या 30 लाख की, BMW खरीद लो, BMW वाला कभी आपको पूछता है कि सर आर यू कमिंग फॉर बाइक राइड, BMW वाला कभी आपको पूछता है 30 लाख की बाइक बेचने के बाद में कि सर आप बाइक चला रहे हो क्या, सर आपकी सर्विस ड्यू है, आप आएंगे सर मेरे शोरूम पे क्या, ही इज लेस बॉदर अबाउट योर सर्विस। द बेस्ट पार्ट अबाउट KTM इज व्हाट यू नो कि बाइक बेचने के बाद उसको ये फिक्र है कि आप बाइक चलाते हो कि नहीं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये चीज मेरे दिल को छू गई है और मुझे नहीं पता था बाइक लेने के पहले मुझे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन बाइक लेने के बाद में अब जब कोई मुझे पूछता है कि बाइक कौन सी लूं, तो मैं कहता हूं भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मत जाना, तेरा बजट क्या उसमें मत जाना, बाइक वही लेना जो तुझे बेचने के बाद भी रिस्पेक्ट दे, जो बेचने के बाद भी तुझे याद करे। एंड माय फैमिली इज टोटली अगेंस्ट अबाउट द बाइक राइडिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मेरी फैमिली बाइक राइडिंग के बारे में एकदम अगेंस्ट है, उनको लगता है कि कभी जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी मर जाएगा, कभी कोई इंजरीज हो जाएगी, सो दे आर नॉट इन दिस फेवर। ओके, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ज्वाइन फॉर अ ग्रुप राइड। KTM ने राइड अरेंज किया और आशीष ने मुझे 5-6 बार फोन किए मुझे, एंड आई गॉट कन्विंस, आई सेड आशीष तू आ रहा है क्या, आशीष ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा इफ यू आर कमिंग आई विल जॉइन दिस राइड, एंड दैट वाज माय फर्स्ट राइड टू पोकन। राजीव शाह ने उसको लीड किया था, एंड मैंने फैमिली में एक बात कही थी, राइड के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सेफ्टी क्या है। हम सब लोग सोलो राइड करते हैं, बहुत बार अकेले भी निकल जाते हैं, रात को कितनी बार 10-11 बजे अकेले निकल जाते हैं, सेफ्टी क्या है, आपकी फैमिली आपके पीछे आपका इंतजार करती है कि वो कितने बजे घर पे आएगा, भले आपके मॉम डैड हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपका इंतजार करती है, दैट इज अ फैक्ट अबाउट द बाइक राइडिंग। कार में कोई इतना आपका सोचता नहीं है, बाइक में जब ये मुझे पता चला तो मैंने कहा कि मैं KTM से जा रहा हूँ और 20 लोग मेरे साथ में है, डॉक्टर साथ में है, एम्बुलेंस साथ में है, फोटोग्राफर साथ में है, मैकेनिक साथ में है, तो मुझे कहा कि यू कैन, कौन सा बाइक, कौन सी बाइक की कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ग्रुप राइड का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है, सोलो राइड का मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, लेकिन ग्रुप राइड का एडवांटेज है कि यहाँ पे आज जितने भी लोग बैठे हैं ग्रुप राइड में,
उसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपकी फैमिली आपको बहुत हंसी खुशी तहे दिल से आपको भेजती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कोई है जो उसे देखेगा, जो उसका ध्यान रखेगा, एंड दैट इज KTM. सो थोड़ा सा तालियां चाहूंगा मैं KTM. आई राइड ड्यूक 250. तो फर्स्ट रीजन था मेरा ड्यूक 250 लेने का, थोड़ा दोस्तों में होशियारी मारने का कि मेरे पास सबसे अच्छी बाइक है. सेकंड रीजन वाज, जब भी 10th के बोर्ड एग्जाम्स होते थे ना, तो आई यूज टू लॉक द रूम एंड मैं घर पे बोलता था कि मैं अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं अंदर बाइक्स कंपेयर करता था बैठ के. सो मैं 3 बाइक्स कंपेयर करता था, ड्यूक 250, हिमालयन, डोमिनार 400. डोमिनार 400 के लुक्स अच्छे नहीं लगे. हिमालयन जब भी आई, उसका फर्स्ट लॉट कंपनी ने वापस मंगाया इशूज़ की वजह से. ड्यूक 250 का प्राइस रेंज बहुत अच्छा था, पावर बहुत अच्छा था, लुक्स बहुत अच्छे थे, तो ये रीज़न की वजह से मैं गया. हेलो एवरीवन, दिस इज किशन हियर. माय रियल नेम इज नवरतन, बट इसके लिए मैं अपना नाम किसी को नहीं बताता. मैंने KTM बाइक क्यों सेलेक्ट की, ये मेरी एक मूवी का फेवरेट डायलॉग है, गैंग्स ऑफ वासीपुर का, क्योंकि वो सेक्सी लग रही थी. इसके लिए मैंने बाइक की. और मैं Why I like to ride with KTM, the only reason is Rajiv sir. I think he's phenomenal. He takes good care of you. He ensures that you learn after every ride. And I think he is the one of the main reasons why I attend all KTM rides. The reason I bought a KTM is, I mean, a 390, because after riding a Yamaha, I did not like any four strokes. So basically, to get into the torque, the power and everything, I just took a test ride of the old 390, and I really loved the old 390. You may find it amusing that I had actually a TVS XL Super. The reason was that we wanted to get a two-wheeler which both my wife and I can ride. Then I realized that it doesn't work that way. So I got my own, I went my own way, and now she rides an electric scooter and I ride the 390 Adventure. So this is Tejas here. This is my third overnight ride with KTM. I have done many breakfast rides and urban gateways with KTM. So basically, why I choose KTM, I am a performance oriented person. I wanted a performance bike which KTM offered me within the my price point. So I choose the KTM one. I am Om. I just completed my degree right now, and I ride Duke 390, which was my 18th birthday gift, and I did not have any idea that I would get Duke, and why KTM? I don't know, I did not choose it, but it was written in my